अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस सुनते हैं या बोलते हैं जहां कोई कहता है किसी चीज के लिए कोई काम करना बेकार है, जैसे भूले हुए पैसे के लिए अफसोस करना बेकार है, या गिरी हुई दूध के लिए चीखना चिल्लाना बेकार है, नाकामयाबी के लिए रोना बेकार है, यानी रोने का कोई मतलब ही नहीं, बुरी किस्मत के लिए उल्टा सीधा बकना बेकार है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां कहते हैं किसी चीज के लिए कुछ करना बेकार है यानी उसका कोई मतलब नहीं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे इट इज नो यूज। उसके बाद आप बोलेंगे आईएनजी फॉर्म, फिर आप कहेंगे ओवर समथिंग। जैसा कि मैंने यहाँ पर चार एग्जांपल्स लिखा है ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सके। यहाँ पहला एग्जाम्पल है इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी गिरी हुई दूध के ऊपर चीखना चिल्लाना बेकार है। सबसे पहले मैंने बोला इट इज नो यूज यानी बेकार है या इसका कोई फायदा या मतलब नहीं है, क्राइंग चिल्लाना, ओवर स्पिल्ट मिल्क गिरी हुई दूध के ऊपर, तो पूरी बात भी गिरी हुई दूध के लिए या गिरी हुई दूध के ऊपर चीखना चिल्लाना बेकार है या कोई मतलब का नहीं है। इट इज नो यूज रिपेंटिंग ओवर लॉस्ट मनी यानी भूले हुए पैसे के लिए पछताना या अफसोस करना बेकार है, यानी जो पैसा भूल गया उसके लिए अब पछताना या अफसोस करना बेकार है। इट इज नो यूज कर्सिंग ओवर बैड लक यानी बुरी किस्मत के लिए उल्टा सीधा कहना या उल्टा सीधा बकना बेकार है, यानी इसका कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज वीपिंग ओवर फेलियोर यानी नाकामयाबी के लिए रोना बेकार है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने सीखा कि जब आपको कहना हो किसी काम के लिए कुछ करना बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है या उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, तो वहाँ पर आप कहेंगे इट इज नो यूज, फिर आप बोलेंगे आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आप बोलेंगे ओवर, फिर आप बोलेंगे वो नाउन जो आप कहना चाहें।